नमस्कार साथियों, और आस्था नड्डा 247 पर आपका हार्दिक स्वागत है। और कैसे हो सब लोग, एक बार जल्दी से भाई शेयर कर दो फटाफट, जल्दी से एक बार फटाफट शेयर कर दो। तो आज का जो टॉपिक है बड़ा धमाकेदार है, ठीक है, जितना हो सके उतना फैला दो। आर यू रेडी? कौन कौन आया क्लास के अंदर? थोड़ा सा टाइम लग गया ढूंढने में, है ना? तो स्टार्ट करें? बिल्कुल। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, योगेश सबका स्वागत है, जल्दी से आ जाओ, ठीक है। तो वैसे आज हम डिस्कस करेंगे, एक तो टॉपिक हमारा वो रहेगा कि इंडिया के अंदर पेंटिंग कौन कौन सी फेमस है, ठीक है। जैसे अपने को पता है चित्रकारी जैसे बनी ठनी है ना, अपने राजस्थान की तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है कि भाई अलग अलग राज्यों में कौन कौन सी चित्रकला बड़ी फेमस है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो है एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो मैं आपके लिए थोड़ा सा वो लेके आया हूं, फटाफट एक बार नोट कर लेंगे धीरे धीरे, है ना। दिख रहा है प्रॉपर सब चीजें, दिख रही है एक बार? गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। और अपना बैच आ गया है, अभिमन्यु 1.0 आ चुका है, ठीक है, और ये 18 मई से स्टार्ट हो रहा है। तो अब जो है जितना हो सके जल्दी एनरोल कर लो, और इसके साथ अपने दोस्तों को भी फटाफट बता दो, ठीक है, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है और ये लगभग 6 महीने से आसपास जो है ये चलेगा, ठीक है। वैसे मेरा प्रॉपर ध्यान रहेगा यहाँ पर, जो अभी रिसेंट के जो एग्जाम हो रहे हैं उन पर विशेष करके, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे, है ना। तो पूरा इकोनॉमिक सर्वे से स्टार्ट कर रहा हूं मैं चीजों को, उसके बाद पूरा अपना जो है वीडियो के अंदर जो दे रखी ज्योग्राफी वाला पोर्शन 4 वाला, ठीक है, उसको, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे ये क्लास 2 घंटे रहेगी। तो इतना टाइम लेट नहीं है कि सर 18 दिन लेट है, 18 मई लेट कुछ नहीं है, 2 घंटे बहुत होते हैं, 2 घंटे में जो है आपके पूरा सिलेबस जो है आराम से हो जाएगा, ठीक है। यहां से ध्यान रखो भाई, पट चित्रकला किसकी है, किस राज्य की है? उड़ीसा की है, पट, ठीक है, पट उड़ीसा की है। क्या है? पटऊ सिंड्रोम, आपने सुना होगा पटऊ, तो पटऊ उड़ीसा, पट उड़ी के उड़ी कुड़ी पट उड़ी, पट उड़ी, ठीक है, पट उड़ीसा, पट उड़ीसा, पट उड़ीसा। रंग वाली चित्रकला कर्नाटक, क्या है? कर्नाटक, नोट कर लेना थोड़ा थोड़ा फ्री में, क्या ठीक है। हाँ, चिनकारी भाई लखनऊ के अंदर है, चिनकारी, ठीक है, चिनकारी, तो लख लख नखरे, है ना, चिनकारी के क्या है, लख लख नखरे, लखनऊ यानी यूपी, क्या, यूपी, चिनकारी, पट रंग वाली, ठीक है। और कमलकारी याद कर लो, कमलकारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कमलकारी न तो याद करनी है केरला होगा और न होगा कर्नाटका, क्या होगा भाई, आंध्र प्रदेश होगा। तो कमलकारी जो है ये आंध्र प्रदेश की चित्रकला है, क्या है, आंध्र प्रदेश की पेंटिंग है, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। योगेश मीणा जी भरतपुर, इट्स चौधरी, बिल्कुल नमस्ते। सागर त्रिस्पाल सिंह, सबका स्वागत है, दिलकुश, ठीक है। तो कमलकारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगा दो इसको, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कमलकारी, ठीक है, कमलकारी आंध्र प्रदेश। एक है आरोप, देखो नाम बड़ा अजीब है आरोप, लेकिन है हिमाचल प्रदेश का है आरोप, एचपी का है आरोप चित्रकला, आरोप, ठीक है, आरोप। कालीघाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कालीघाट कलकत्ते वाली, काली कलकत्ते वाली, कैसे याद करोगे, कालीघाट यानी काली कलकत्ते वाली, तो कालीघाट ये कलकत्ता, यानी कलकत्ता मतलब वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, क्या होगा, पश्चिम बंगाल। मधुबनी सबको पता, बिहार की है, मधुबनी बिहार की है, ठीक है, मधुबनी बिहार की है। पिथोरा जो है ये गुजरात की है, पिथोरा, ठीक है, पिथोरा जो है ये गुजरात की है, ठीक है। जैसे कोई पूछे बनी ठनी कहां की, राजस्थान की, इसी प्रकार। तो कालीघाट कलकत्ते वाली, आरोप हिमाचल प्रदेश, कमलकारी आंध्र प्रदेश, कमलकारी, चिनकारी लख लख नखरे, चिनकारी, रंग वाली कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक, पट उड़ीसा, पटऊ सिंड्रोम या पट जो है, पट उड़ी, है ना, पट उड़ी, पट चित्रकला उड़ीसा, पिथोरा गुजरात, मधुबनी बिहार, मधु बिहार, ठीक है, मधु बिहार। अब ध्यान से देखो, फड़
फड़ मानचित्र राजस्थान की कोई दिक्कत नहीं, मंडाना, मंडाना राजस्थान की, मांडा ये मांडा, ठीक है, कोलम वेरी इंपॉर्टेंट, कोलम 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 ये तमिलनाडु की है, कोलम कोलम कहां की है, ना केरला की है ना कर्नाटक की, तमिलनाडु की है। कलमकारी कहां की है, ना केरला की ना कर्नाटक की, आंध्र प्रदेश की है, दोनों ध्यान रखना। तंजोर, तंजोर तमिलनाडु याद हो जाएगी। फुलकारी वेरी इंपॉर्टेंट, फुलकारी, तो फुलकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, तो फुलकारी पंजाब की है, पंजाब की है फुलकारी, ठीक है, फुलकारी फुलकारी। चेरियल, चेरियल चित्रकला ये है तेलंगाना, चेरियल, चेरियल चित्रकला कहां की है भाई, तेलंगाना, चेरियल चित्रकला तेलंगाना की, ठीक है। गोड़ या बाघ, बाघ याद कर लो, बाघ पेंटिंग, बाघ पेंटिंग मध्य प्रदेश की है, बाघ जो है, बाघ जो है ये मध्य प्रदेश की है, और वर्ली महाराष्ट्र की, वर्ली, वर्ली याद कर लेना, महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र की। मोटे मोटे फैक्ट आपको याद करने भाई, आपसे एग्जाम एक तो पूछा जाएगा, कोलम, कोलम जो है ये तमिलनाडु है, ठीक है, और ये बात करूं मैं यहां पर फुलकारी, फुलकारी पंजाब की है, पंजाब की फुलकारी है, और बात करूं यहां पर बाघ, बाघ मध्य प्रदेश की है, और वर्ली, वर्ली महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र की है, ठीक है। इसके बाद पूछे कालीघाट, कालीघाट कलकत्ते वाली, मधुबनी बिहार की है, पिथौरा गुजरात की है, कमलकारी वेरी इंपॉर्टेंट आंध्र प्रदेश है, ठीक है, और पट उड़ीसा है, पट उड़ीसा है, समझ गए। वीडियो के लिए है ना, बिल्कुल वीडियो के लिए तो है भाई, वीडियो के लिए क्या आर्टिकल सर नहीं आएगी क्या, इस मार्क दे रखे वहां पर, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सबके लिए है ये क्लास, ठीक है, इस क्लास को नोट कर लो, ये क्लास आरएएस तक के लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, मैंने आपको बताए थे मार्शल आर्ट एक बार सारी बताई थी, ठीक है, जैसे थोड़ा, थोड़ा क्या था, थोड़ा, थोड़ा किसकी बताओ, मार्शल आर्ट थोड़ा किसकी, थोड़ा, ठीक है, थोड़ा बताओ। इसी प्रकार आरोप चित्रकला, थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश की थी, तो आरोप चित्रकला हिमाचल प्रदेश की, क्या है, हिमाचल प्रदेश की। अब मैं आपको मेन साइट पे लेके जाता हूं, यहां पर आओ फटाफट, यहां पर है ना, आज बात करेंगे डांस फेस्टिवल, तो आगे डांस की बात करो, डांस, ठीक है, ये मेन साइट पे लेके आया हूं मैं आपको यहां पर, और बहुत अच्छे जो है यहां से इवेंट दे रखे हैं डांस फेस्टिवल। पहली बात करेंगे भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहां का बताओ भाई, भरतनाट्यम कहां का है, तमिलनाडु, कहां का है, तमिलनाडु का है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। अच्छा क्लासिकल डांस कितने बताओ कमेंट बॉक्स में, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कहां का है, तमिलनाडु का है। दूसरा है कथक, कथक ध्यान रखा भाई, कथक यूपी का, यूपी का, ये शास्त्रीय नृत्य, ऐसे तो बहुत सारे नृत्य है लेकिन कुछ शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, जिनकी अलग अलग स्पेशलिटी है, तो ये ध्यान रखना, नॉर्थ इंडिया का कथक है ना, कथक। उसके बाद में कथकली, कथकली केरला की है, कथकली केरला की है, केरला, केरला, मैं इसको हटाऊं, केली, कली और केली सेम टू सेम हो जाएगा, यानी केरला की है कथकली, ऐसे याद करो कथकली, और ये के ल केला है ना, कली कला, ठीक है, और ये करे केरला, केरला, तो ऐसे करके ये के और ला, यहां पर भी क और ली, कथकली, कथकली कहां की है, केरला की है, कथकली कहां की है, केरला की है। कथक कहां का है, यूपी का है, भरतनाट्यम कहां का है, तमिलनाडु का है, ठीक है, तमिलनाडु का। स्कोर बढ़ेगा मैं बता रहा हूं, आप विश्वास तो करो। उसके बाद अगर बात करें हम यहां से, नेक्स्ट, नेक्स्ट है मणिपुरी, कहां का है, मणिपुरी, मणिपुर तो सिंपल सी बात है, मणिपुर का ही होगा, कहां होगा भाई, मणिपुर का, तो मणिपुरी जो है ये मणिपुर का ही है, मणिपुरी जो है ये मणिपुर का ही है, ठीक है, मणिपुर का ही है, समझ गए, ये कहां का है, ये मणिपुर का ही है, ठीक है, ये जो है हमारे मणिपुर का है। अब अपन बात करते एक एक करके यहां पर, यहां पर मैं बात करूं, ये देखो यहां पर ये भरतनाट्यम चल रहा है, ठीक है, और उड़ीसी, उड़ीसी के अंदर ध्यान रखो भाई, उड़ीसी डांस है ना, उड़ीसा के अंदर मैं बात करूं यहां पर, तो एक डांस बड़ा फेमस है, खजुराहो फेस्टिवल, खजुराहो फेस्टिवल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खजुराहो फेस्टिवल कहां का है, उड़ीसा का खजुराहो, ठीक है, खजुराहो डांस फेस्टिवल फर्स्ट हेल्ड सम 20 इयर्स एगो, खजुराहो डांस फेस्टिवल, सॉरी सॉरी इसका नहीं है, मतलब उड़ीसा का नहीं, ये खजुराहो फेस्टिवल जो ये मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश टूरिज्म जो है ये डिपार्टमेंट इसको मनाता है, खजुराहो, खजुराहो, ठीक है, चंदेल वंश ने बनाया था इसको, और एमपी के अंदर है, एमपी के अंदर है खजुराहो, खजुराहो, ठीक है, कोणार्क, कोणार्क उड़ीसा के अंदर है। और अब ये बहुत सारे जो है यहां पर ध्यान से देखो, ये बहुत सारे फेस्टिवल है जो हमें थोड़े से ध्यान रखना है, ठीक है, रिसेंट के ये बहुत सारे फेस्टिवल है जो 2022 के हुए हैं, तो 2022 के मैं आपको बता देता हूं सारे के सारे, ये बहुत सारे फेस्टिवल है, ठीक है, यहां पर अगर बात करें, सारे नहीं बताऊंगा, कुछ इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट बताऊंगा, ठीक है, 1 दिसंबर 2022, 14 जनवरी, 8 जुलाई 2022, 20 दिसंबर, आगे जा रहे तो 1 दिसंबर, 26 मार्च,
3 फरवरी 2023, तो ऐसे ऐसे आगे कैसे जा रहा है भाई। देखो मांडू फेस्टिवल जो ये कहां मनाया जाता, मांडू फेस्टिवल, बताओ किसी को याद है? मांडू वाला क्वेश्चन आ रखा है, पिछली बार भी एक क्वेश्चन एग्जाम आया था, मांडू फेस्टिवल, ठीक है, मांडू फेस्टिवल। एक मिनट, इसको क्या हो रहा है, मांडू, ये तो बैठ ही नहीं पाएगा। हॉर्नबिल, ओरछा फेस्टिवल, हॉर्नबिल, नमसोंग, सिक्किम, ऐसे तो हो ही नहीं पाएगा ये भाई। ठीक है, इसको छोड़ो, है ना, ये वाला थोड़ा सा मैं आपको क्लासिकल डांस दोबारा बता देता हूँ एक बार। क्लासिकल डांस के अंदर एक क्वेश्चन ये बन सकता है, एक तो क्लासिकल, ध्यान से देखना एक बार, है ना, क्लासिकल डांस, मतलब पूछा जा सकता है इनका संबंध किस किस से है, जैसे भरतनाट्यम में कोई है क्या महिला, कोई ऐसे खासकर कलाकार, इस टाइप से, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर टाइम लग जाएगा, मैं, ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये नृत्य है, कितने हैं, 8 नृत्य है, भरतनाट्यम, कथकली, कथक और उड़ीसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी और सत्रिया। सत्रिया असम का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की है, ठीक है, आंध्र प्रदेश की है, और मोहिनीअट्टम कहां की, ठीक है, मांडू मध्य प्रदेश में, ठीक है, मांडू मध्य। सर जी आप ऐसे ही आगे पीछे करने में लगे रहते, इतना टाइम नहीं है। हाँ बलराम मीणा, तभी तो, ठीक है, ध्यान रखो। अब देखो, अब अपन एक एक करके पढ़ लेते हैं इनको, ठीक है। मैं अगर यहां से बात करता हूं कथकली, ध्यान रखना भाई, केरला की है, ठीक है, ध्यान रखना, केरला की है। और इसके अंदर अगर बात करें यहां से, इस कथक यूपी का है, ठीक है, कथक यूपी का है, और उड़ीसा का ही है, ठीक है, उड़ीसा का ही है। मणिपुर जो है ये पूर्वोत्तर के मणिपुर क्षेत्र से नाम आया, इसका नाम मणिपुर का ही ये नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरला का है, कहां का है, केरला का है, मोहिनीअट्टम केरला का है, ठीक है, केरला का, मोहिनीअट्टम केरला का है, और कथकली भी केरला की, ठीक है, कथकली। इसके बाद कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की, कहां की है, आंध्र प्रदेश की, ठीक है, और सत्रिया नृत्य ये असम का है, कहां का है, असम का ये नृत्य, सत्रिया नृत्य। इसको डेवलप करने में जो योगदान है वो है शंकर देव का जो है ये, यहां से इसके संस्थापक महान संत श्रीमंता शंकर देव ने जो इसको फेमस किया था, शंकर देव। वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत सम्मिलित होने के गौरव प्राप्त हुआ है, ठीक है, साथ में शंकर देव ने इसको फेमस किया था सत्रिया नृत्य को, ठीक है। तो कितने हो गए, 8 जो डांस है वो है क्लासिकल डांस, कितने हैं, 8 क्लासिकल डांस है, ठीक है। अब अपन थोड़ी सी बात करते, एक दिन वो टॉपिक रह गया था, वो वाला जो है फोक डांस, यहां पर आपको कुछ इंपोर्टेंट मैं बताता हूं जो आपको ध्यान रखना है। आज ये मुझे पूरी करनी है, ये आर्ट कल्चर, लोक नृत्य, ठीक है, ये भारत के लोक नृत्य, विकिपीडिया यहां से जो है, यहां पर मोटे मोटे यहां पर देखो। तो पहले मैं आपको, है ना, यहां से स्टार्ट करता हूं, हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के अंदर थोड़ी सी बातें आप ध्यान रखना और थोड़ा लिखते जाना, सारे याद नहीं करने हैं, लेकिन कुछ ऐसे नृत्य है जो हमें ध्यान रखने हैं। जैसे यहां पर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो एक तो है यहां से नाव नृत्य पूछा जा सकता है, नाव लोक नृत्य, ठीक है, नाव है। इसके अलावा यहां पर थाली है, ठीक है, थाली है। और इसके अलावा एक जो नृत्य वो है चंबा, क्या है, चंबा। तो चंबा, नाव और थाली, ये किसका है, ये हिमाचल प्रदेश का है, किसका है, हिमाचल प्रदेश का है। हरियाणा का याद नहीं करना, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन लक्षद्वीप का याद कर लो, परीचा काली, ये किसका है भाई, ये है अपने लक्षद्वीप का, किसका है, लक्षद्वीप का, लक्षद्वीप का, ठीक है, लक्षद्वीप का।
परिचा काली, ठीक है, परिचा काली। उसके बाद बात करूं राजस्थान हो जाएगा मेघालय का, मेघालय का जो लोक नृत्य है वो है बागला लहो, बागला लहो, ठीक है, बागला लहो। थोड़ा थोड़ा देख लो, एक एक बार नजर से उठा के देख लो कि हाँ अगर आ जाए लिखा हो सर, लिखा तो रहा हूं, ये क्या है बागला लहो मेघालय लिखा तो रहा हूं और क्या, थोड़ा आप कोशिश करो, देखो लिखाऊंगा तो टाइम चला जाएगा और इतना अपने पास टाइम है नहीं, है ना, इसलिए थोड़ा ध्यान रखो इसको। तो मेघालय का है बागलो लाओ, मैं जो बोल रहा हूं उन पे ध्यान दो, बातें मत करो, मेघालय का जो है बागला लाओ, मैं भी कम से कम लिखवाना चाहता हूं, ठीक है, ज्यादा नहीं कि अब टाइम हमारे पास नहीं है इतना। मिजोरम की बात करूं, मिजोरम की, मिजोरम में ध्यान रखो भाई इसका नाम एक तो है पारखुपीला, पारखुपीला, देखो याद हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार लिख लो बस, है ना, लास्ट टाइम में रिवीजन कर लेना स्पेशली। कल मैं आपके लिए एक लेने वाला हूं एक टॉपिक जिसमें जो है किस तरीके से सिलेबस को कवर किया जाए, क्या पढ़े और क्या छोड़े इस टाइम वर्तमान में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। महाराष्ट्र का जो बात करूं, महाराष्ट्र का एक तो सबको पता है तमाशा है, ठीक है, और यहां से एक नाम जो है यहां से लेजम लावणी, दही कला, दही कला, ठीक है, जो फेमस फेमस नाम है वही ध्यान रखना, दही कला, तो दही कला महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का क्या है, दही कला जो है महाराष्ट्र का बड़ा फेमस है, दही कला महाराष्ट्र का, ठीक है, दही कला महाराष्ट्र का। उसके बाद बात करें यहां से मणिपुर का, मणिपुर का एक तो फेमस है यहां से लाई हरोबा, क्या है, लाई हरोबा, लाई हरोबा, लाई हरोबा, ठीक है, लाई हरोबा। इसके अलावा बात करूं यहां से थांगटा, थांगटा आपको बता रखा है मैंने, थांगटा जो है मार्शल आर्ट है, थांगटा, 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 ठीक है, और बाकी याद नहीं करना। और पुगवा लो एक कितुत्वम लिख लो, की तत्वम, की तत्वम, की तत्वम, की तत्वम, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का एक तो है गंभीरा, जैसे मायावती काफी गंभीर रहती है, ठीक है, तो गंभीरा। इसके अलावा एक नाम है जात्रा, बाउल, बाउल, ठीक है, बाउल, बाउल, बाउल। एक है कीर्तन, क्या है, कीर्तन, कीर्तन, बस ये तीन ध्यान रखो, गंभीरा, बाउल और कीर्तन, गंभीरा, बाउल और कीर्तन, ठीक है, गंभीरा, बाउल और कीर्तन, समझ गए, बताओ क्लियर यहां से पॉइंट, जल्दी बताओ, ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ मुझे जल्दी। अब आपको मैं नेक्स्ट बताता हूं नागालैंड का, नागालैंड में वैसे तो ज्यादा है नहीं लेकिन एक है नागालैंड का चिंता। देखो जब कोई नागालैंड यानी यहां पर जो लोग जो है कपड़े कम पहनते हैं, ठीक है, तो चिंता ज्यादा है पैसे की, चिंता, और कजरम है, कजरम गाना भी गाते हैं, कजरा रे तेरे कारे कारे मेमा, तो चिंता, कजरम, और इसके अलावा जो है दोहाई, है ना, दो याद कर लो, चिंता और कजरम किसके है, नागालैंड के, चिंता और कजरम, चिंता और कजरम, ठीक है। पंजाब के तो पता ही है कीकली, कीकली नृत्य जो है पंजाब का, कीकली, कीकली, और बाकी तो भागड़ा और गिद्दा तो है, ठीक है। अब देखो, अब अपन दोनों की तुलना करते हैं केरला की और तमिलनाडु की, है ना, तमिलनाडु के नृत्य क से ज्यादा है, तो केरला में कौन कौन से नृत्य फेमस है, केरल के, केरल के, है ना, केरल के कहां गए भाई, गोवा, कर्नाटक, अरुणाचल, केरल कहां गया, तमिलनाडु के, देखो तमिलनाडु, तमिलनाडु के आपको जो लगभग नृत्य मिलेंगे वो क से मिलेंगे, क से नृत्य मिलेंगे, देखना ध्यान से। यहां पर देखो एक तो है कोला आटम, ये मैंने आपको कल परसों ही पूछा था, जो अपना मॉडल पेपर हुआ था पुलिस वाला उसके अंदर मैंने बताया था कोलाटम, कोलाटम, ठीक है, कोलाटम। एक कोवाटम, कोवाटम, अब नोट लिख लो वहां पर कि क वाले सारे नृत्य तमिलनाडु के लगभग, है ना, लगभग, ठीक है। और कुंभी और कावड़ी, कुंभी और कावड़ी, कोलाटम, कोवाटम, कुंभी, कुंभी और कावड़ी, और कावड़ी, कावड़ी, ठीक है, कावड़ी। और इसके अलावा एक ना भरतनाट्यम तो सबको पता ही है, भरतनाट्यम, तो कोलाटम, कोवाटम, कुंभी और कावड़ी, कुंभी और कावड़ी किससे रिलेटेड है, तमिलनाडु, केरला का नहीं है और ना कर्नाटका का है, ठीक है, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, पूछा जा सकता है ये वाला। पवनेश जी बताओ, पवनेश जी क्या हुआ, ठीक है, पंडवानी छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही, पंडवानी, रुको माँ पैक में अपना बैच ऐड करो, प्रदीप जाटव आ जाएगा, ठीक है, बैच आ जाएगा, ठीक है, उसमें आ जाएगा, टेंशन मत लो। अब देखो झारखंड का ध्यान रखो भाई, झारखंड का एक तो जट जाटीन है, क्या है, जट जाटीन, जट जाटीन, और एक छऊ, ये छऊ कई जगह है तो छऊ वाला याद नहीं करना है, और एक है कर्मा, कर्मा,
कर्मा दो दो याद करने स्टेट के, दो दो है ना, दो दो तीन 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 दो दो याद करने आपको, बाकी याद नहीं करने, ठीक है। जम्मू कश्मीर का एक ही पता है राउफ, और ये राउफ नृत्य पे जो गाना भी होता है इसके लिए राउफ, ठीक है, राउफ लाला जम्मू कश्मीर का राउफ है। इसके अलावा भजजास और एकाद करके दो नाम है, ठीक है। गोवा का एक तो है दखनी, दखनी और एक मांडी, मांडी नदी भी है गोवा, मांडी, ठीक है, मांडी और दखनी, और दखनी गोवा का, गोवा का, ठीक है। अब देखो गुजरात का, गुजरात का वैसे तो कोई नहीं पूछेगा, जो है यहां से बात करूं तो मैं डांडिया है, गरबा है, रासलीला है, ठीक है, पणियारी, ये तो कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं, काकोलिया। कर्नाटक, कर्नाटक का एक नृत्य बड़ा फेमस है और ये फेमस रहता अभी, यक्षगान नाम है, क्या, यक्षगान, यक्षगान जो है ये कर्नाटक का यक्षगान, ठीक है, यक्षगान एक ही याद करो, बाकी याद मत करो, कर्नाटक का, कर्नाटक का, यानी समझ गए आप, कोलाटम, कोवाटम और जो भी क क वाले नाम है वो तमिलनाडु के अंदर मिलेंगे, ऐसे करके याद करो तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। उत्तराखंड की बात करूं तो झूला झोरा, उत्तराखंड का ज्यादा नहीं है खास, इसके ज्यादा नृत्य नहीं उत्तराखंड के, उत्तराखंड के जो है ज्यादा नहीं। उड़ीसा में देखो, उड़ीसा के नृत्य बड़े फेमस है, पेका, पाई का विद्रोह हुआ था उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में, और इसके अलावा जो है सऊ, सऊ यहां पर भी है, ठीक है, सऊ, ठीक है, इसके अलावा पुगनाट, पुगनाट मतलब घूमरा, घूमरा, घूमरा जो है ये भी उड़ीसा का, घूमरा, घूमरा के बाद में मैं बात करूं तो यहां से ये दो तीन जो है इसके नृत्य है। आंध्र प्रदेश में बहुत सारे नृत्य है, है ना, आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए क्योंकि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इसमें थोड़ा सा टफ है, मतलब है ना, तो आंध्र प्रदेश के लिखो एक बार यहां पर, आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के लिखो यहां पर, आंध्र प्रदेश, पहला नाम है मरदाला, क्या है, मरदाला, मरदाला, ठीक है, कुंभी दोनों जगह आ गया, कुंभी तमिलनाडु में भी है, कुंभी यहां पर भी है, ठीक है। इसके अलावा बातुकंबा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बातुकंबा यानी बात कंभा, बात कंभा, ठीक है, बात कंभा, ठीक है। इसके अलावा एक और है कुडियटम, कालीटम, ये सेम आ गया है ना, ये कुडियटम, कालीटम, ये तमिलनाडु के अंदर भी है, आंध्र प्रदेश के अंदर भी है, तो एग्जामिनर ऐसे ही नहीं देगा आपको, जैसे कालीटम पूछेगा, कालीटम या कुडियटम, कुडियटम है ना, कुडियटम। और इधर आप देखोगे तो यहां पर थोड़ा सा अलग है, कुंभी तो सेम आ गया, कुंभी यहां पर भी है, कुंभी यहां पर भी है, ठीक है, लेकिन यहां पर कावड़ी कोलाटम है, इधर कालीटम है, देखो ध्यान से देखो, कोलाटम, कोलाटम, कोलाटम ये तमिलनाडु का है, लेकिन एक आ जाए कालीयटम, काली, कालीयटम तो आंध्र प्रदेश है, कालीयटम तो आंध्र है, तो काली कैसी आंधी है, कालीयटम यानी काली आंधी है, और कोला कैसा है, तमिलनाडु का कोला, कोला तमिल है, ठीक है, कोला, तो काली आंधी है, काली आंधी ऐसे याद करो, काली आंधी, काली आंधी, ठीक है, तो ये याद हो जाएगा। तो कोलाटम कडागम, और कुड़ीयटम, कुड़ीयटम किसी का और का नृत्य नहीं, ध्यान रखना, कोआटम अलग है, कुड़ीयटम, तो कुड़ीयटम जब भी आए कुड़ीयटम, कुड़ीयटम यानी यटम, यटम जब भी आता ना, यटम, यटम तो आएगा आंध्र प्रदेश, यटम, यटम जब भी आएगा आंध्र आएगा, लिखो आंध्र आएगा, यटम आएगा तो आंध्र आएगा, और टम आएगा, टम पीछे टम आएगा, टम, टम आएगा तो तमिलनाडु आएगा, जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु आएगा, क्या आएगा, टम, तो टम आएगा, तमिलनाडु लगेगा। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये मतलब आ गया ना तो आपको आते हुए गलत कर दोगे आप, इसलिए मैं लिखा रहा हूं, टम तमिलनाडु है और यटम, यटम आंध्रा है, यटम आंध्र प्रदेश है, ठीक है, आंध्र प्रदेश। और नाम से भी देखोगे तो ज्यादा नाम किसका पड़ेगा, ज्यादा नाम इसका ही है, जैसे मान लो एक सवाल आ गया ना, कोलाटम आ गया, काली यटम आ गया, देखो एक आ गया कोलाटम, एक आ गया काली यटम, ठीक है, एक आ गया कोलाटम और एक आ गया काली यटम। अब देखो, अब ऑप्शन में दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, है ना, ऑप्शन दो मिलेंगे, ठीक है, केरला भी मिलेगा, केरला भी ऑप्शन के अंदर है, तमिलनाडु भी है, आंध्र प्रदेश भी है, आंध्र प्रदेश भी है, मैं इसको हिंदी में लिखता हूं, तमिलनाडु भी है, तमिलनाडु भी है, ठीक है, और कर्नाटक भी है। अब हमें बताना कौन सा नृत्य है, देखो कोलाटम, ये तो ध्यान रखना है, न केरला का होगा और न कर्नाटक का होगा, होगा तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश का होगा, नाम किसका बड़ा ये बताओ, ये बड़ा है ना, ये जो बड़ा नाम है इसका मतलब ये बड़ा नाम है, तो काली यटम ये सबसे बड़ा नाम है, एक दो तीन चार पांच, इसमें पांच वर्ड है। आंध्रा में जब आप ध्यान से देखोगे आंध्र, या ना ये दो तीन वर्ड ये हो गए, प्रदेश चार, लगभग सात अक्षर का ये है ना, वैसे तो ये पांच का है लेकिन
हम ऐसे इसको तोड़ रहे हैं कि प्रदेश ऐसे, तो इसको हम दो मान लिया, पर दो, तो जितना बड़ा नाम उतना बड़ा काम, ऐसे करके याद करोगे तो बहुत ईजी याद रहेगा, ठीक है। तो काली यटम आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और कोलाटम, कोलाटम जो है ये तमिलनाडु, कोलाटम तमिलनाडु। अभी मैंने बताया यटम, यटम आंध्र प्रदेश आएगा, अब कोई भी आ जाए यटम, यटम जहां भी जोड़ेगा ना वो हमेशा कुड़ी यटम आंध्र प्रदेश, और टम आ जाए कोलाटम, ठीक है, भरतनाट्यम, ठीक है, तो ये सारा का सारा जो है तमिलनाडु, क्या है तमिलनाडु, बताओ क्लियर सानू इसका भी है। दिनेश जी बिल्कुल स्वागत है आपका, सर जी नागिन डांस कहाँ है, ठीक है, सेवन ट्रम्प भाई देखा गोरु क्रोध बात है मत करो, ये तम अंधेरा तम तमिल, ठीक है, तम अंधेरा, हाँ तम तमिल। देखो ये सारी चीजें कैसे याद करनी है, क्या करना है, इसके लिए अपना एक स्पेशल बैच आ रहा, उसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि चीजों को कैसे पढ़ना है। ये चीजें बड़ी आसान है, हम क्या इनको टप बना देते हैं, हम इनको रट्टा मारने की कोशिश, रट्टा याद नहीं रहता जिंदगी भर, है ना, कैसे याद करोगे, लेकिन अब ये आपके माइंड में आ जाएगा, और जब आप पढ़ोगे तो ये अगर आपका माइंड चल गया तो ये काफी काम कर जाएगा आपके लिए, है ना, क्योंकि मैं इस पे इतना जोर दे रहा हूं। हम क्या करते हैं पढ़ के छोड़ देते हैं, दूसरा पता ही नहीं है कि आएगा क्या एग्जाम के अंदर, ये भी पता नहीं है, तो इसलिए जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो है अगर आपको बैच लेना है स्पेशल, और लेना ही पड़ेगा भाई, अगर आपको पढ़ना है और आपको सिलेक्शन चाहिए जीके जीएस के अंदर, अगर आपको बढ़िया स्कोर करना है तो ये बैच आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभिमन्यु बैच, ठीक है। मैं अभी दिखाऊंगा आपको, अरुणाचल प्रदेश का याद करो भाई, मुखोटा, मुखोटा, मुखोटा अरुणाचल प्रदेश का, किसका है, अरुणाचल प्रदेश का मुखोटा, अरुणाचल, ठीक है, अरुणाचल अरुण का मुखोटा, या मुखोटा अरुण का, ऐसे। असम में बात करूं, असम का एक तो बिहू है सबको पता, बिहू बिहुआ, ये जो भी है बिहू, है ना, बिहू। इसके अलावा असम का नृत्य एक है कली गोपाल, खेल गोपाल, राखल, राखल, गोपाल, जितने भी नाम है गोपाल, कली हो या फिर खेल हो, कली हो या फिर खेल हो, ये सारे के सारे असम के है, असम, तो असम गोपाल, अरुण मुखोटा, मुखोटा अरुण में, मुखोटा अरुण के पास है, और गोपाल असम, असम में, ठीक है, गोपाल असम में, समझ गए। ये दो बातें आपको यहां से ध्यान रखनी है। तो अभी मैंने आपको बताया था यहां से आंध्रा की बात करी थी, और यहां से हमने बात की किसकी करी थी, तमिलनाडु की बात करी थी, वो आप ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, समझ गए आप, बताओ क्लियर यहां से। तो ये सारे के सारे जो है हमें ध्यान रखने हैं, मैंने बाकी सारे बता दिए आपको, ठीक है। और यहां से जो बात करूं, और तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे नृत्य है, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में हो सकता है इस बार भी आ जाए कुछ, है ना। तो एक बार मैं जो पंडवानी नृत्य को एक बार बता देता हूं, पंडवानी नृत्य, ठीक है, पंडवानी नृत्य पिछली बार क्यों पूछा गया, कहीं ना कहीं न्यूज में था ये, तीजन बाई जो है भारत भवन भोपाल में पंडवानी प्रस्तुति के दौरान ये नृत्य जो है, तीजन बाई का संबंध जो है इस किससे रिलेटेड है, पंडवानी से, तीजन बाई, तो ये कहीं ना कहीं न्यूज में थी इसलिए पूछा गया था ना। तो आप ऐसे कुछ ना डरो मत, ठीक है। पंडवानी छत्तीसगढ़ का वो एकल नाट्य है जिसका अर्थ है पांडव वाणी, अर्थात महाभारत की कथा सुनाई जाती है इसके अंदर। तो ध्यान रखना पंडवानी का मतलब क्या, पांडव। तो महाभारत की कथा, ये कथा है छत्तीसगढ़ की प्रधान और देवार, छत्तीसगढ़ की जातियों की गायन परंपरा है। प्रधान गोड़ की एक उपजाति है और देवार घुमंतु जाति है, और दोनों जातियों की बोली और वाद्य यंत्र में अंतर है, दोनों ही जातियां करती है, दोनों ही अलग अलग तरीके से करती है। और तीजन बाई ने पंडवानी को आज के संदर्भ में पूरी ख्याति दिलाई है, ठीक है, इसलिए नाम पड़ गया इसका, यहां से तीजन बाई वाला क्वेश्चन आया था, तीजन बाई वाला, ठीक है। और इसके अलावा दो तीन और भी है, इनके नाम भी थोड़े ध्यान रखना, दोबारा वापस आ जाए एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, भरोसा नहीं है। जैसे देखो तीजन बाई तो बता दिया, तीजन बाई, ठीक है, तीजन बाई के अलावा और कौन कौन है, तो और यहां से थोड़े से याद कर लो, पूनिया बाई भी है, पूनिया है, पूनिया बाई है, और जैना बाई है, ठीक है। अब सारे याद थोड़ी करने हैं, ऐसे बैठेंगे फिर कैसे, बस ये थोड़ा सा मैं बता रहा हूं आपको, पूनिया जैना कहीं मिल जाए आपको, ठीक है, ऋतु है, तो ये वाला थोड़ा सा एक बार देख लेना, है ना, ये थोड़ा सा आप जो है एक बार देख लेना, क्लियर। अब अपन आते हैं यहां पर, नेक्स्ट जो अपना है वो है यहां से आपको मंदिर बता देता हूं, कौन कौन सा मंदिर कहां पर है ना, कौन कौन सा जो मंदिर है वो कहां पर है, 37 अभी हुए, ठीक है, जम्मू कश्मीर, राउप बिल्कुल, और कूद और दड़ीनाश, ठीक है। देखो यहां पर हम बात करते हैं मंदिर की, तो मंदिर में इतना डीप नहीं बताऊंगा, लेकिन सिर्फ एक एक जगह बताऊंगा कि भाई ये सांची कहां पर है, सांची, तो सांची मध्य प्रदेश के अंदर है, एक एक बार लिखते जाओ, सांची ऐसा दिखता है, ठीक है, ये ऐसा दिखता है सांची, और सांची जो है ये मध्य प्रदेश के अंदर है, कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंदर है, 18वीं सदी का है ये, मध्य प्रदेश के अंदर है सांची का, सांची, ठीक है, सांची का स्तूप बोलो या फिर जो है यहां पर जो है ये कहां पर है, ये मध्य प्रदेश के अंदर है सांची, ठीक है, सांची। इसके अलावा बात करूं यहां से अगला,
नेक्स्ट जो है वो लदखान टेम्पल, ये टेम्पल जो है ना पता है लदखान टेम्पल, हो सकता है पूछा जाए आपको इस तरीके से बना हुआ ये लदखान टेम्पल, ये कर्नाटक के अंदर एहोल, ठीक है, एहोल प्रशस्ति आपको पता ही है, एहोल अभिलेख, ठीक है। तो लदखान टेम्पल, लदखान मंदिर, ये कर्नाटक के अंदर है। तो मोटे मोटे मंदिर एक बार लिख लो, पूछा जा सकता है लदखान मंदिर, तो लदखान मंदिर कर्नाटक के अंदर है। कहां पर है? कर्नाटक के अंदर है लदखान मंदिर, ठीक है, लिख लिया, बताओ लिख लिया। अगला है दुर्गा टेम्पल, दुर्गा टेम्पल कर्नाटक के अंदर, ये कोई नहीं पूछेगा, जो नाम थोड़ा सा अलग लगता हमें, है ना। जैसे देखो ये बहुत सारे रथ बने हुए हैं, है ना, अर्जुन की तपस्या, इस तरीके चीजें जो है एग्जाम में आती है कि द्रौपदी और अर्जुन के रथ, या पांडवों के जो रथ बने हुए हैं, द्रौपदी अर्जुन, ठीक है, और भीम नकुल सहदेव, इनके रथ कहां बने हुए? इनके रथ महाबलीपुरम के अंदर बने हुए। कहां पर? महाबलीपुरम के अंदर। तो महाबलीपुरम कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर है महाबलीपुरम, महाबलीपुरम तमिलनाडु के अंदर है। तो पांडवों के जो रथ है, पांडवों के जो रथ है वो कहां बने हुए हैं? महाबलीपुरम के अंदर, पांडवों के रथ महाबलीपुरम तमिलनाडु के अंदर। यहां पर ही अर्जुन की तपस्या का भी चित्र मिलता है, क्या मिलता है? अर्जुन की तपस्या का चित्र भी मिलता है, ठीक है। बताओ भाई, आपको एक्सीडेंट, मिस सनु, क्या हो गया भाई? मिस सनु आपका एक्सीडेंट, अरे भाई मिस सनु बहुत दिनों बाद आई है मेरे एमपी में, मैंने तो कई बार देख लिया। अच्छा देख लिया कि? अरे वाह डोनाल्ड बेटे वाह, जिन्होंने भाई लाइक नहीं किया है सेशन को लाइक करो, और ये आठ वाली क्लास आपके नंबर यहां से इंक्रीज होंगे, ध्यान रखो आप, है ना। अगला, नकुल और सहदेव कोई पूछे तो भी महाबलीपुरम है, तो महाबलीपुरम का मतलब ही क्या है? तमिलनाडु। और अगर नेक्स्ट है सोर टेम्पल, ये सोर टेम्पल बड़ा फेमस है, सोर टेम्पल सातवीं सेंचुरी का है सोर टेम्पल, ध्यान रखना भाई तमिलनाडु के अंदर, कर्नाटक के अंदर नहीं है। सोर इस तरीके से बना हुआ एकदम ये स्वतंत्र मीनार वाला सोर मंदिर, सोर मंदिर जो है कहां पर है? ये भी महाबलीपुरम तमिलनाडु के अंदर, लोग क्या करते हैं कर्नाटक बोल देते हैं, तो सोर मंदिर कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर सोर मंदिर, सोर टेम्पल, ठीक है, सोर टेम्पल ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये, ठीक है। बताओ क्लियर हो गया यहां पर? सोर टेम्पल, सोर टेम्पल, ठीक है। कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम वॉज बिल्ट बाई राजा सिम्हा शॉर्टली आफ्टर द सोर टेम्पल इन द 8th सेंचुरी, इतना याद नहीं करना, बस एक एक बार देख लो कि है कहां कहां, ठीक है, कौन कौन से मंदिर कहां कहां है। नेक्स्ट है धमेक स्तूप, ये अपने सारनाथ के अंदर है। धमेक स्तूप कौन सा स्तूप है? धमेक स्तूप, धमेक, धमेक स्तूप, धमेक स्तूप, ये कहां पर है? सारनाथ यूपी के अंदर, सारनाथ यूपी के अंदर है धमेक स्तूप, कहां पर है? धमेक स्तूप, ठीक है। जब पेपर देने जाओगे, रियल बता रहा हूं आपको, आर्ट कल्चर जो आएगी ना वो आपको बिल्कुल टफ नहीं लगेगी, आपको लगेगा कि अरे ये तो सब सुन रखा है, और पेपर इतना आसान लगेगा ना कि इंडिया का जो जीके जीएस है आपका बहुत बढ़िया जाएगा पेपर के अंदर, कोई भी पेपर हो, ठीक है, आपको लगेगा कि हाँ ये चीजें। लेकिन जिनने रिविजन नहीं किया है वो मुझे लग रहा है कुछ कम कर पाएगा, लेकिन बाकी कर लेंगे। ये देखो ये महाबोधि टेम्पल कहां पर? बिहार के अंदर है, महाबोधि, बोध गया के अंदर, महाबोधि टेम्पल, महाबोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर, ठीक है। ये कहां पर है? ये अपने बोध गया बिहार के अंदर, बोध गया बिहार के अंदर, बोध गया बिहार के अंदर है, बिहार के अंदर, ठीक है, बोध गया बिहार के अंदर है महाबोधि टेम्पल, ठीक है। कौन सा टेम्पल है? महाबोधि टेम्पल। अगला है जगन्नाथ टेम्पल, जो उड़ीसा के अंदर है, जगन्नाथ टेम्पल, ठीक है, जगन्नाथ टेम्पल सबको पता है, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। जगन्नाथ टेम्पल जो ये कहां पर है? उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। ये वो मेन साइट है जहां से एग्जामिनर उठाता है, और ये नेशनल पोर्टल है इंडिया का आर्ट कल्चर का, खुद इंडिया की वेबसाइट है ये वाली, ठीक है, ध्यान रखना। सिकरा, एक टेम्पल और है उड़ीसा के अंदर है सिकरा, वेतुल देव टेम्पल, उड़ीसा से मंदिर काफी सारे पूछे जाते हैं, तो इसका नाम है सिकरा, सिकरा वेतल, वेतल है ना, वेतुल देओल, वेतुल देओल मंदिर, वेतुल देओल मंदिर, ये भुवनेश्वर के अंदर है उड़ीसा में। सिकरा मंदिर, सिकरा मंदिर उड़ीसा के अंदर है, कहां पर है? उड़ीसा के अंदर है सिकरा, ठीक है, सिकरा मंदिर उड़ीसा के अंदर है सिकरा। कोणार्क सबको पता उड़ीसा में। अगली मैं बात करूं यहां पर, नेक्स्ट वो है सूर्या, सूर्या भी सेम, ये कोई वो लिंगराज टेम्पल उड़ीसा के अंदर है, लिंगराज टेम्पल, लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर, ये कहां पर है? ये उड़ीसा के अंदर है, लिंगराज मंदिर उड़ीसा के अंदर है, लिंगराज मंदिर, ठीक है, लिंगराज मंदिर। एक सूर्य मंदिर, ये कोणार्क उड़ीसा के अंदर, कोणार्क, कोणार्क उड़ीसा के अंदर है सूर्य मंदिर,
सूर्य मंदिर, कोणार्क, ठीक है, ये ध्यान रखना, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसकी मैं बात करूँ सूर्य मंदिर की, तो सूर्य मंदिर, इसके बाद अपने विरूपाक्ष टेम्पल है कर्नाटक के अंदर, विरूपाक्ष टेम्पल, क्या नाम है, विरूपाक्ष टेम्पल, विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर कहां पर है, कर्नाटक के अंदर है, कहां पर है, कर्नाटक के अंदर है, विरूपाक्ष मंदिर कहां पर है, कर्नाटक के अंदर है, ठीक है, ध्यान रखना, कर्नाटक के अंदर है विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर। अगला है वरदेश्वर, वरदेश्वर कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर है, थंजावूर, वरदेश्वर, 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 ठीक है, वरदेश्वर टेम्पल या बृहदेश्वर टेम्पल मंदिर जो है ये कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर है वरदेश्वर टेम्पल, ठीक है। टेम्पल की अलग अलग स्टाइल होती है, नागरा जो इसके अलावा द्रविड़ और वेसर स्टाइल है ना, उसमें नागर स्टाइल जो वो उत्तरी भारत की है, और जो है दक्षिणी स्टाइल जो है वो जो है अपने साउथ इंडिया की है, ठीक है, और वेसर जो है ये उड़ीसा और इसके बीच की है, ठीक है, इसके बीच की है। मोडेरा टेम्पल गुजरात का है, मोडेरा टेम्पल, ठीक है। अगला है कैलाश टेम्पल जो एलोरा महाराष्ट्र का है, कैलाश टेम्पल, ठीक है, कैलाश टेम्पल, कैलाश मंदिर, कौन सा मंदिर है, कैलाश मंदिर, कैलाश, कैलाश मंदिर एलोरा के अंदर है, कैलाश मंदिर एलोरा, और एलोरा अजंता कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर है, कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर है, कैलाश टेम्पल एलोरा महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना। अच्छा, कंबोडिया के अंदर कौन सा मंदिर है बताओ, कंबोडिया के अंदर कौन सा मंदिर है और किसने बनाया, किसने बनाया, मदुरई जो मीनाक्षी मंदिर है ये कहां पर है, मदुरई, मदुरई, मदुरई तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। अगली बात करें यहां पर खजुराहो मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तो ये कुछ मंदिर थे जो मैंने आपको बताया अभी कि भाई ये मंदिर जो है थोड़े से आप ध्यान रखना, पूछे जा सकते ये मंदिर, ठीक है, क्लियर। ये तो हमारा हो ही चुका है, और क्या रह गया भाई, शास्त्रीय नृत्य हो गया, पंडवानी हो गया, ठीक है, बताओ। सर बच्चे परेशान हो, सर बच्चे परेशान क्या हो, दिनेश जुनून वर्दी का भी सर सवाल नाजुक थी, तीन बोतल चढ़ाई है, ठीक है, अल्लाह तेरे लाइट आ रही है क्या। अंकोर वाट बताओ, बताओ अंकोर वाट, अंकोर वाट किसने बनाया, अंकोर वाट, अंकोर वाट मंदिर किसने बनाया, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कविता बताओ ना। अरे ओ दिनेश जुनून वर्दी का, मान जा बेटा, मान जा, ठीक है, मान जा बेटा, मान जा। देखो यहां पर आप जाओगे तो आपको ये बैच मिल जाएगा, ठीक है, यहां पर जाओ, जल्दी से एनरोल कराओ, बोनी वोनी जो है आज ही स्टार्ट कर दो, ठीक है। यहां पर जाना है आपको, और इस जगह जाओगे ना आप तो मोर, इसके अंदर व्यू ऑल के अंदर जाना, तो आपको यहां पर जो है अड्डा 247 का ऐप इंस्टॉल कर लो, ठीक है, और ये रहा अपना, तो ये देखो ये 587 रुपए बता रहा है, ठीक है, लेकिन अब देखो ये बैच अपना ही है तो कोड अपना ही यूज होगा, ठीक है। कोई भी सर बताए, कोड अपना ही यूज होगा, बाई नाउ में जाना, ठीक है, बाई नाउ में जाना यहां पर, और यहां पर कोड लगाना Y398R, Y398, देखो Y398 याद कर लो, ये बचपन का प्यार है, ठीक है, इसको याद करो Y398R, आपको ये पड़ जाएगा 487, ठीक है। यानी इसके अलावा इसमें जो डिस्काउंट भी मिल गया और कुछ कॉइन यूज करोगे लगभग आपको ये 470 के आसपास मिलेगा। अब देखो सर कैसे फीस ज्यादा इसकी, अब देखो ये फीस कहाँ ज्यादा बेटा है, ये फीस कहाँ ज्यादा, मैं तो ये तो ज्यादा बढ़ा रहे थे, मैंने बोला सर कम रखो, ठीक है, मेरी तो क्लास अभी तक चली नहीं रही है सर, अभी तक बिट्टू क्या हो गया, हाँ बताओ ये ज्यादा है क्या है। सर जी स्कूल लेक्चर की वैकेंसी आ गई, हाँ बिल्कुल वैकेंसी आ गई है, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी बिल्कुल आ गई, बताओ। सर मैं फोन पे नहीं चलता, क्या करूँ सर मैं फोन पे, कोड भी याद हो गया गुरुजी, अरे वाह क्या बात है, ठीक है, मोह माया आप कौन हो, अरे ओ कविता मान जा, कंबोडिया सूर्यवर्म, हाँ सूर्यवर्मन नंदी ने पक्का, ड्रीम गर्ल, आपको एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया के अंदर है, ठीक है। हाँ भैया मैं क्या करूँ, क्या हो गया भाई, सर आपसे बात करनी है, कैसे करूँ, धनु सर माँ पैग लिया था, कोई क्लास नहीं दिखती है सर, बिट्टू बेटा कैसे क्लास नहीं दिखती, क्या मजाक कर रहे हो हैं, क्लास कैसे नहीं दिखती है, आप सपोर्ट पे बात करो, सपोर्ट पे बात करो, आप नंबर दे रखे हैं आपको, ठीक है, सब बातों में लगे हुए सर जी, बातों में लगे हुए तो क्या, जब पेपर दिखेगा तब लग जाएगा, अरे उस दिन पढ़ाया तो था लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, फिर माथा पटकना और कुछ मत करना। मैं साइकोलॉजी का समर्थन करता हूँ,
आप पीडीएफ नहीं दिखाई देती तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अरे बिट्टू पैसे वैसे कुछ नहीं गए। हाँ बिट्टू सर ने बोल दिया ना, एक दो दिन वेट करो। तुम तो क्या है कि आते ही जो है मैं कराओ। मैं क्या बोल रहा हूं भाई, इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, जो अपने पास नोट्स है सारे के सारे आपको यहां पर मिलेंगे, सुपुर्द कर दिए जाएंगे, ठीक है सबको। 487 के अंदर स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक सर्वे से, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे को इस मैदान से एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, उसके बाद जो भी अभी रिसेंट के आप एग्जाम दे रहे हो जैसे पॉलिटी, इसके अंदर है पॉलिटी, मैं बाद में करूंगा, ठीक है। पहले पॉलिटी नहीं करूंगा क्योंकि अभी कोई एग्जाम में पॉलिटी आ नहीं रही है, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टेबल का एग्जाम खत्म हो जाएगा, उसके बाद पॉलिटी कहीं है नहीं। तो राजस्थान की पॉलिटी को अपन रखेंगे होल्ड पे। पहले अपन क्या करेंगे, जो वीडियो का 4 और 5 पोर्शन जुड़ा, यानी पूरी ज्योग्राफी इंडिया वर्ल्ड राजस्थान और इकोनॉमिक सर्वे वाली, ये वाला पोर्शन ये पहले कंप्लीट करेंगे। डेली 2 घंटे की क्लास होगी आपकी, इसके साथ आपका थोड़ा रिवीजन, जैसे कोई एसआई की तैयारी कर रहा है तो जो स्पेशल एसआई हो गया या इसके अलावा एलडीसी हो गया, तो वहां पर जो है हिंदी के थोड़े थोड़े जैसे 10 लास्ट के 10-15 मिनट 20 मिनट जो है ये पर्यायवाची मुहावरे, ये भी मैं आपको थोड़े थोड़े बताऊंगा ताकि आपका डेली रिवीजन होता रहे भाषा का। एक तरीके से ये देख लो कि भाई वीडियो की जो तैयारी करा उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आपको लग रहा है कि सर जीके जीएस डेली पढ़ाई भी नहीं होती है या और अच्छा करना है, ज्यादा ज्यादा चीजों को कैसे रिमेन किया जाए, याद कैसे किया जाए, वो सब इसके अंदर होगा। और ये बैच काफी लंबा चलेगा, 6 महीने का आसपास चलेगा, और इसके अंदर पूरा इंडिया का जीके और राजस्थान का जीके ओवरऑल क्लियर होगा, ठीक है। तो ये बात इसके अंदर है, और बिल्कुल जितना भी टाइम मिला है उसमें पढ़ो, ठीक है। हाँ क्लास खत्म नहीं हुई है, बिल्कुल ऐसा ही के लिए है, सबके लिए है, मतलब फोर ऑल एग्जाम के लिए है ये। 1.0 का मतलब क्या, अभी 2.0 आएगा, ठीक है। तो पहले वैलिडिटी 12 मंथ है इसकी, ठीक है, वैलिडिटी 12 मंथ है। लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वैसे स्पेशल इसमें हिंदी दे रखा लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये 9 AM सुबह स्टार्ट करेंगे 9 बजे से, बाकी टाइम आप बता देना कोई दिक्कत नहीं है। 9 AM के अकॉर्डिंग, 9 AM के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप बताओ नोट्स इतने सारे मिल रहे हैं आपको, तो और कहीं पढ़ने की जो बुक खरीदते हो ना आप, बहुत सारी बुकें खरीदते हो, वो आज के बाद बुक खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से बुकों को कुछ नहीं खरीदना है, जितना हो सके जितना। सर लैब असिस्टेंट कोर्स कितने का, लैब असिस्टेंट का कोर्स अगर जाओगे यहाँ पर आप, लैब असिस्टेंट का कोर्स जो है आपको ये 1460 रुपए के आसपास मिलेगा। तो वहां पर आप कोड लगाओगे ये वाला 398R Y398R, तो वो भी थोड़ा सा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा उसके अंदर, समझ के बताओ। ये पॉइंट क्लियर, 50-10 मिनट बाकी हमारे पास। सर मैं मजाक क्यों करूंगी, प्रॉब्लम है रोज रोज का नहीं सुन, रोज रोज कोई नहीं सुनता। बिट्टू कोलू बोल रहा है इतना ठीक है, मैं नहीं लूं कभी भी, डोनाल्ड ट्रंप ऑफ है। अरे ओ ट्रंप रुक जा है, तुमने उल्टी आईडी गलत लगाई है और फिर उसके बाद तुम बोल रहे हो। अरे सब सही हो जाएगा, रुको मैं कर रहा हूं, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, हो जाएगा। लास्ट में बता देते हमें, हमें लगा खत्म हो गई, बातें मत करो, ठीक है। अब अपने पास 10 मिनट है, अब 10 मिनट के अंदर क्या किया जाए बताओ, क्या किया जाए। दस मिनट के अंदर ऐसा कौन सा टॉपिक है जो, कल आपको वो वाले बता दिए थे मैंने सारे, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो सारे हो चुके हैं, ठीक है। कौन सा रह गया और प्रचार किया, बिल्कुल हाँ कोर्स का प्रचार तो करना ही पड़ेगा। कुंडर सर की क्लास में जाऊं, ठीक है, इतनी इतना महंगा बेटा। दिनेश वर्दी का है, जुनून वर्दी का, रिवीजन करो सब याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ राष्ट्रीय उद्यान को पढ़ाया, 10 मिनट में राष्ट्रीय उद्यान कैसे पढ़ा सकते हैं आपको, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान को 10 मिनट के अंदर कैसे पढ़ा सकते हैं आपको बताओ। इतने सारे 105 नेशनल पार्क है, स्पीडली कर लूं मैं, चलो रुकना है एक बार पढ़ा देता हूं। इनविस अब लिखना विकना कुछ नहीं है, ठीक है, ये तो पूरा नहीं हो पाएगा, टाइम लगेगा, तो आप सुनते जाओ बस, है ना। आंध्र प्रदेश के अंदर है पापीकोंडा, क्या है पापीकोंडा नाम बड़ा खतरनाक है। आंध्र प्रदेश के अंदर है पापीकोंडा,
क्या है? पापीकोंडा, और एक है राजीव गांधी नेशनल पार्क, राजीव गांधी। तो राजीव गांधी और पापीकोंडा, पापीकोंडा है ना, अंडा है, पापी है, और राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी। अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक तो मुलिंग है, एक नामदफा है। मुलिंग नेशनल पार्क ध्यान रखना, पूछा जा सकता है, मुलिंग और नामदफा, नामदफा और मुलिंग, ठीक है, नाम और मुलिंग, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। असम के अंदर ध्यान रखना भाई, दिब्रू साइकोवा, अरुणाचल प्रदेश मत कर देना, दिब्रू साइकोवा असम के अंदर है, काजीरंगा असम के अंदर है, मानस असम के अंदर है, और नामेरी, नामेरी और ओरांग, जिसका पहले नाम था राजीव गांधी कर दिया इसका ना, ओरांग, ओरांग ये कहां पर है? असम के अंदर है, असम के अंदर है। बिहार के अंदर मात्र एक ही है और वो है वाल्मीकि, क्या है? वाल्मीकि, वाल्मीकि, ठीक है, उसका रिवीजन करा देते हाँ, बिहार वाल्मीकि। छत्तीसगढ़ का है गुरु घासीदास, एक तो ये वाला याद करो, गुरु घासीदास, जिसका नाम पहले था संजय, संजय गांधी था, अब इसका नाम चेंज करके गुरु घासीदास हो गया, गुरु घासीदास हो गया। इंद्रावती और कांगेर घाटी ये है, ठीक है। गोवा का है मोलेम, क्या है? गोवा का ध्यान रखो भाई, गोवा का नेशनल पार्क का नाम क्या है? मोलेम, क्या है? मोलेम नेशनल पार्क, मोलेम, मोलेम, ठीक है, मोलेम। गुजरात का है ब्लैक बक, यानी ये गुजरात का जो गिर है, एक तो ब्लैक बक है, एक वंशदा, वंशदा भी, वंशदा, ठीक है, नाम क्या है इसका? नाम है वंशदा, वंशदा, ये गुजरात का नेशनल पार्क, गुजरात का। हरियाणा के अंदर कालेसर है और सुल्तानपुर है, हरियाणा के अंदर कालेसर है और सुल्तानपुर। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक ही ग्रेट हिमालय, क्या है? ग्रेट हिमालय है। इसके अलावा यहां से पिंद वैली नेशनल पार्क है, पिंद वैली, और इसके अलावा जो है खीर गंगा, खीर गंगा, खीर गंगा एक इंपॉर्टेंट है, खीर गंगा, ठीक है, खीर गंगा, ये हिमाचल प्रदेश का है, खीर गंगा, खीर गंगा, खीर गंगा। झारखंड का एक है बेतला, बेतला, बेतला नेशनल पार्क झारखंड का है, बेतला, ठीक है, बेतला। कर्नाटक का बहुत सारे नाम है, बांदीपुर है, बनेरघट्टा है, ठीक है, कुंद्रीमुख है, नागरहोल है, और अंसी, अंसी, ठीक है, अंसी, बनेरघट्टा, कुंद्रीमुख, नागरहोल। केरला के बहुत सारे हैं, केरला का साइलेंट वैली याद कर लो, एक तो साइलेंट वैली है, ठीक है, एक पंबादुम, सोला, सोला जब भी आए केरला उतर आएगा, सोला जब भी आए केरला उतर आएगा, मैथी कहते हैं सोला हो, या पंबादुम सोला हो, या फिर अनाईमुड़ी सोला हो, या फिर कोई भी सोला हो, तो केरला ही आएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारे 10 के आसपास है, बांधवगढ़ है, डायनासोर फॉसिल्स ये भी है मध्य प्रदेश के अंदर, पेंस है, कान्हा है, कूनो है, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर है, माधव है, माधवगढ़ नेशनल पार्क ध्यान रखना, पन्ना है, संजय है, और वन विहार, वन विहार नेशनल पार्क जो कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। महाराष्ट्र के अंदर नहीं, ध्यान रखें चीजों को थोड़ा सा, तो ताड़ोबा, ताड़ोबा महाराष्ट्र के अंदर है, ताड़ोबा, और एक नाम है यहां से नवेगांव, क्या है? नवेगांव और चंदोली, सारे याद नहीं करने, मोटे मोटे याद कर लो एक बार। मणिपुर के अंदर कैबुल लामजाओ है और सिरोही, ये याद करो, सिरोही, ठीक है, सी सी सिरोही, 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 सिरोही कहां पर है? ये मणिपुर के अंदर है। मेघालय बालपक्रम और नौकरेक याद करो, मेघालय के अंदर एक तो है बालपक्रम, 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 और एक है नौकरेक, क्या है? नौकरेक, नौकरेक। मिजोरम के अंदर मुरलेन, 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 और एक है यहां से फवांगपुई या ब्लू माउंटेन, कौन सा है? ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। नागालैंड का है, नागालैंड का एक ही है इंटानकी, नाम भी बड़ा खतरनाक है, इंटानकी, इंटानकी, ये नागालैंड का इंटानकी, ठीक है। उड़ीसा का भितरकनिका है, सिमलीपाल है, राजस्थान के आप सबको पता है, ठीक है, तीन नेशनल पार्क है। सिक्किम का कंचनजंगा है, ठीक है। तमिलनाडु के देखो, एक तो गल्फ ऑफ मन्नार है, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु है। इंदिरा गांधी ध्यान रखना भाई तमिलनाडु के अंदर है, मुदुमलई और मुकुर्ति, मुदुमलई, मुदुमलई और मुकुर्ति, और बनेरघट्टा वाला कहां पर था? बनेरघट्टा, वो कर्नाटक के अंदर था। ये अपने मुदुमलई, मुकुर्ति, इंदिरा गांधी, गल्फ ऑफ मन्नार, ये सारे के सारे कहां पर है? ये तमिलनाडु के अंदर। तेलंगाना, तेलंगाना के अंदर एक तो है महावीर वनस्थली, महावीर, एक है मुर्गवाणी, और एक है कासू ब्रह्मानंद रेड्डी, इस तरीके से नाम है, ये है तेलंगाना। त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा की जो बात करूं तो मैं, एक है क्लाउडेड लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, लेपर्ड, एक है बिसोन, क्या है? बिसोन, 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 ये कहां का है? त्रिपुरा का बिसोन, ठीक है, ये त्रिपुरा का है।
उत्तर प्रदेश में दूधवा, ठीक है, उत्तराखंड में कॉर्बेट है, गोविंद सागर है, ठीक है, नंदा देवी है, राजा जी है, वैली ऑफ फ्लोवर, ठीक है, फूलों की घाटी कहां पर है, फूलों की घाटी उत्तराखंड की, फूलों की घाटी उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर। वेस्ट बंगाल बात करें, बक्सा है, गोरुमारा है, ठीक है, बक्सा है, गोरुमारा है, जल्दापारा, ये देखो ध्यान से, देखो इसको ध्यान से देखो, पूछा जा सकता है वेस्ट बंगाल में, एक तो बक्सा है, बुक्सा, एक गोरुमारा, एक गोरुमारा, एक जल्दापारा, जल्दापारा, ठीक है, एक सुंदरवन। अंडमान निकोबार, लास्ट अंडमान निकोबार के अंदर बहुत सारे हैं, जैसे एक नाम तो है, यहां से बात करूं, गलथिया खाड़ी, कैंपबेल खाड़ी, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क कहां पर है, ध्यान रखना, ये निकोबार के अंदर, अंडमान निकोबार के अंदर है महात्मा गांधी नेशनल पार्क, महात्मा गांधी, ठीक है, ध्यान रखना, महात्मा गांधी। माउंट हैरियट है, रानी झांसी मरीन है, ये वाला है, सेडल पीक यहां पर है, ठीक है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो दासी गांव फेमस है, एक ही याद कर लो। लद्दाख का है हेमिस, क्या है हेमिस, तो लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क, और जम्मू कश्मीर के अंदर दासी गांव, ठीक है, दासी गांव। तो ये कितने हो गए, लगभग 105 के आसपास मैंने, सर आप क्या पढ़ा रहे हो बताओ, तुम क्लास में आते नहीं हो टाइम पे, मिस अनु घास काट रहे हो, अरे टाइम हो गया, कैसे घास काट रहा हूं, धीरे, मैंने अभी बोला था मैं आपको फास्ट पढ़ाऊंगा, बताओ, अब नेशनल पार्क भी आपने नहीं पढ़े, फिर अब मैं क्या करूं, है ये घास काट रहा हूं, तुम 5 मिनट के अंदर रिवीजन हो गया, दोबारा एक बार और सुन लो, ठीक है, और क्या भाई, कहीं ना कहीं बोलते ना कि भूल भागते भूत की लंगोटी भली, अब यही पकड़ना पड़ेगा, है ना, पहले टाइम था, आपने पढ़ाई की नहीं सही ढंग से, अब मेरे को बोल रहे हो आप, मैं क्या करूं बताओ, कैसे है, जो आपको थोड़े थोड़े जो इंपॉर्टेंट बताएं उनको देख लेना एक एक बार, ठीक है, ये लास्ट में जो क्लिप है वो काट देना और अपने पास रख लेना, ये काम की है, ठीक है, हाँ, टाइम ही नहीं है तो कैसे किया जाए बताओ, समझ रहे हो ना आप मैं क्या कह रहा हूं। और अभी आपका जो है मॉडल पेपर भी है, ठीक है, पुलिस का, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, हाँ, सनु बेटा क्या हुआ, विष्णु, और जिन्होंने ये बैच नहीं लिया अभी तक, तो इसको भाई जल्दी ज्वाइन कर लो, ठीक है, ये पेपर देने के बाद में सीधा यहीं पे आ जाना, और ये जीके जीए जो अभी बता रहा हूँ ये सारी टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी इसके अंदर, इस बैच के अंदर कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, है ना, सब कुछ चीजें हो जाएगी, अगर आप चाहते हो कि भाई हमारा सिलेक्शन हो जाए तो ये है ना, और अड्डा को दिखा देना है कि भाई हम कम नहीं है, ठीक है, हम भी कम नहीं है, आज देखते हैं कितना आप, जो मैं 3 साल से आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, बेइंतहा तरीके से, वो मतलब समझ रहे हो ना कि हर कंटेंट देने की कोशिश करता हूं, सब्जेक्ट मेरी करंट अप है, लेकिन मैं सोचता हूं भाई मैं आपको स्टैटिक जीके के भी अच्छा कंटेंट दूं, है ना, और नोट्स भी मैंने बहुत सारे लोगों को प्रोवाइड किए हैं, कुछ भी हो, लास्ट के टाइम हो या जब भी हो, है ना, सारे के सारे, तो मैं देखता हूं कि भाई 3 साल के अंदर गुरु दक्षिणा की बात अब आई है, अब आप ज्वाइन करते हो कि नहीं करते हो पता लग जाएगा, मार्च 2021 जितने भी नाम बदलेगी उन्हें करवाओ, सर आज की नई नीतियों क्लास लो, 30 मिनट की राज्य की नई नीतियों क्लास लो, पिछली बार राजस्थान पुलिस हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया, तो ये नीतियाँ वीतियाँ अब आपको पता ही होगी, नीतियाँ कोई इतनी कोई खास थोड़ी है, तो एनी टाइम कुछ नहीं हुआ सर, ठीक है, हाँ तो ठीक है, हाँ शुभम गौतम, चलो मिलते हैं फिर, अपना ध्यान रखें, और जिन्होंने लैब असिस्टेंट का ज्वाइन नहीं किया, लैब असिस्टेंट का भी बेस एक स्टार्ट हो गया, साइंस का स्पेशल, साइंस का हुआ, ज्योग्राफी और होम साइंस का नहीं हुआ है, साइंस का हो गया है, 12 मई से स्टार्ट है, जिनको अवेल करना है ज्वाइन करना है तो अपना कोड 1 लगाना Y398R, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, उसकी फीस ज़्यादा है लेकिन वो डिस्काउंट लगाओगे तो आपको 1460 के आसपास आ जाएगी, ठीक है, हाँ